लड़की के साथ ये पांच काम करिए, लड़की खुद आपको पटाएगी। हाँ, कैसे और क्यों, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब से डूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर पाँच पे सरप्राइज हर, स्मॉल थॉटफुल सरप्राइज उन्हें दीजिए, स्पेशल फील करवा सकते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, देखिए छोटे छोटे सरप्राइज जब आप फील करते हैं तब आपको अंदर से खुशी होती है। और जैसे मैं छोटे छोटे, मतलब कितने छोटे की बात करूँ वो समझिए, मैं कॉलेज में था तब एक चीज़ मैंने देखी थी। हमारे कॉलेज कैंपस में एक जेरोक्स वाला था जो छुट्टी ना होने पे वो मेलोडी चॉकलेट देता था। तो हमारे ग्रुप में से जो भी जाता था वो मेलोडी लेके आता था। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं और उस लड़की को मेलोडी चॉकलेट से भी खुश कर सकते हैं, इससे भी खुशी होती है। ये भी छोटे छोटे सरप्राइज है। नंबर चार पे भी पोलाइट, देखिए अच्छे मैनर्स हमेशा लंबे जाते हैं। अच्छे मैनर्स का मेरा मतलब ये है कि आप उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्या उनकी बात को काट देते हैं, ये सबसे बड़ा मैनर है। हम क्या करते हैं, सामने वाले ने कोई अपना एक्सपीरियंस कहा कि हम यहाँ पे गए थे तो बोट में बैठे थे, हम पानी को देख रहे थे, तुरंत आपको अपनी कहानी याद आ गई कि हाँ मैं भी वहाँ गया था बोट पे बैठा, तुरंत उनकी बात अभी ख़त्म भी नहीं होने दी और आपने अपनी बात शुरू कर दी। देखिए हम भी गए थे तो क्या, वो तो ज़बरदस्त था, ठीक है आपका होगा लेकिन हमारा ज़बरदस्त, ये सबसे बड़े इंसल्ट है, ये सही मैनर नहीं है। इसलिए मैनर रखें, पोलाइट बने रहें, बातों को सुनिए, झुकिए। नंबर तीन पे रिस्पेक्ट हर स्पेस, जितनी आप सामने वाले की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे उतना ही वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। वो अप खींच के घुसाते तो वो अलग बात है, लेकिन उनकी स्पेस की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बाउंड्रीज की, उनकी नीड्स, उनके थॉट्स, इसकी रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं करें तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। नंबर दो पे भी रिलायबल, देखिए अपने प्रोमिसेस को निभाइए, एक भरोसेमंद इंसान बनिए कि आप कहते हैं ज़्यादातर बार आप करते ही करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी मत बनाए कि आप कहते हैं कि 10 मिनट में मैं आ गया तो आप 50 मिनट में ही आएंगे या 30 मिनट में ही आएंगे, आपके टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, ना रिलायबिलिटी है। आप कहेंगे कि अभी दे दे तो अभी नहीं देते कभी भी, तो ये एक सोच का फ़र्क है, भरोसा बनाए रखें। नंबर एक पे मेक हर लाफ, देखिए अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करिए, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। कैसे आप प्रेजेंट की बातों को या अभी चल रही बातों में से कुछ ना कुछ मजाक निकाल लेते हैं, हंसा लेते हैं लोगों को, छोटी मोटी चीज़ों को, इससे आपको पता लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। और जितना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा लड़की उतनी ही करीब आएगी, खुद पटाने की कोशिश करेगी। तो ये पांच चीज़ें, सरप्राइज करना, पोलाइट बने रहना, रिस्पेक्ट स्पेस को देना, रिलायबल रहना और हंसाना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने काम आप करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी अभी फ्रांजा मजमून लाला, जो भी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल है तो जाओ कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।